चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया। मैं कुछ बातें जो है रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए करना चाह रही हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि बाहर जैसे हमारे सेनेटर्स ने कहा कि उनसे किसी ने बदतमीज़ी की, लेकिन आप और हम, हमारी अभी याददाश्तें इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर टीचर्स को डंडे पड़े, ठंडे मरवाए गए, उठा उठा के क्लर्कों को, रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज को जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह फेंका गया। और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि चंद लोगों ने इनसे बदतमीजी की। मुझे उसका भी अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए, इनका इस्तेहकाक है, लेकिन उस वक्त क्या ये हम कोई खास मखलूक है और वो आम आवाम जो है उसका हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं? और इनके आगे अगर 10 लोगों के आगे कोई खारदार तार गलती से आ गई तो ये हमें कहते हैं कि उनके खिलाफ तरीके इस्तेहकाक पेश करें? तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उन आम पाकिस्तानियों को जूते मारने के, उनके खिलाफ कौन सी तहकीक इस्तेहकाक बनती है? फिर पेश की जाए तो सब की जाए, इकट्ठे की जाए, क्योंकि रियासत मदीना ये बनाने चले थे तो अपने वक्त की रियासत मदीना का तो जवाब दें। और चेयरमैन साहब, दूसरी बात, ये आज हमें बता रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग पे बात हो गई। आज भी शर्म नहीं कि इंपोर्टेड हुकूमत, ममनुआ फंडिंग अलग है, फॉरेन फंडिंग अलग है। हमें सिर्फ ये बताए और ये कि आपको लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के, तो हमने पैसे दिए थे, ये पैसा तो मैंने दिया था, तो वो रोमेता शेट्टी भी पाकिस्तानी है, वो जेरिश बेरी हैरी स्नैप्स जो सारे यहूदी थे वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी हमें आप दिखा दीजिए पाकिस्तानी होने का सबूत, ताकि हम मान लें वो सब कहाँ से थे। वो सारे पैसे आए तो रियासत मदीना बनेगी यहूदियों के पैसों से और भारतीयों के पैसों से। और दूसरों को आप समझाएंगे कि आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं, आप शिर्क करते हैं। एक दीन इलाही शायद मैं गलत ना हूं तो 1582 में आया था, जो अकबर बादशाह ने जो लेकर आया था, एक ये नई दीन इलाही की नई शक्ल आज 2022 में आई है, जिसमें कहा जाता है कि जो अमीरुल मुनाफिकीन की उसके मुखालिफ जाएगा वो बहुत बड़ा मुशरिक है। कब्र में जाओगे तो ये कि इमरान खान को वोट क्यों नहीं दिया, हमें बताया जाए। बहुत हमारे उलमाए कराम बैठे, हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है शिर्क क्या होता है। आप हमें शिर्क की नई डेफिनेशन सुनाए समझाएंगे, आप हमें कलमा पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी आधा, बाकी आधा क्यों नहीं पढ़ते? मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये क्यों नहीं पढ़ते? आप हमें नया मुसलमान बनाने का एक तरीका जो है वो न सिखाएं। आप अपने किए की बात करें कि आपने क्या किया, आप ये बताएं कि उन लोगों को आपसे क्या मोहब्बत हुई। मुझसे कहा जाए या आप किसी से कहा जाए कि भारत में एक नई जमात बनती है जो हिंदुत्वता को जो है वो बढ़ावा देगी, आप आइए चंदा दें, आप देंगे? क्यों देगा कोई भारतीय पाकिस्तान में चंदा, और वो भी उस जमात को जो रियासत मदीना बनाने के लिए उठ खड़ी हुई है। लिहाजा चेयरमैन साहब, बात यह है कि ये जो आज एहतजाज है ये इस बात का नहीं है कि इनके साथ बुरा हुआ या जुल्म हुआ या 8 साल बाद फैसला आया तो गलत आया। ये तकलीफ है कि डॉलर क्यों गिरा, तकलीफ ये है कि जो रोज कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कैसे बचा, तकलीफ आज ये है, इसी बात का वॉकआउट है। और इसी बात के वॉकआउट की वजह से आज जब कहानियां सामने तुम्हारे आ रही हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है, तो तुम हमें कहते हो आज भी कि तुम इंपोर्टेड हो। तो बात यह है कि आप तो कहते थे कि फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता, इस आप कहते थे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, तो ये जो आप लेते रहे पैसे उसके बदले, उस लंच के बदले आपने क्या दिया, क्या दिया और क्या वजूहत है कि सीपैक का बट्टा आपके आते के साथ ही बैठ गया, जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुछ असलूबी से पास करा के नून को दिया और इनके आते ही, और 5 साल हमें कहा गया ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके खिलाफ जो बात करेगा वो कौमी दुश्मन है, तो आज क्या हुआ, इस लाडले ने आकर उसको जमीन बोस कर दिया, उसको ना सिर्फ जमीन बोस किया, आपकी मईशत जमीन बोस की, 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी 4 साल के कर्जे एक तरफ, लेकिन आज कोई ऐसा कमीशन नहीं बनता जो पता लगाए कि इस फंडिंग का उस सीपैक के बैठने से क्या ताल्लुक है, कश्मीर के जाने से क्या ताल्लुक है,
क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता है? वैसे तो हर एक के लिए जीआईटीज बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया। जरदारी साहब इलेक्शन से पहले एक मुनज्जम मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन पे बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पर बात क्यों नहीं करने दी जाती? इस पर क्यों तकलीफ होती है कि मैंने गलती से साइन कर दिया? तुम करो तो गलती है, दूसरे करें तो मुशरिक है, दूसरे करें तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पांव पे खड़ा करने के लिए इस मुल्क के पांव काट दिए गए। अफसोस से सीपेक गया, कश्मीर गया, इस मुल्क की मईशत गई। इन धरनों में जहां से शुरू हुए 150 से ज्यादा तो बच्चों का खून है। किस तरह हुआ ये सब? इस पे कमीशन बनना चाहिए। और हम वजीर आजम से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक इनकी फौजें कहते हैं कि हमारी ये बाहर की हकूमत है और इंपोर्टेड हकूमत है, इस पे भी बनाए कमीशन। लेकिन साथ साथ जिस दिन से मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ, उसके बाद 2014 के धरने हुए, उसके बाद एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, आरटीएस बैठा, अरबों रुपए उस आरटीएस में गए जो घंटों में बैठा, उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई, उसके बाद ये चाल, इन सब पे कमीशन बने। और फिर बताया जाए कि इनकी जमात के खोरे किस मुल्क से मिलते, क्यों मोहब्बत है इनकी जमात से दुनिया भर के यहूदियों को, क्यों इनकी जमात से मोहब्बत है दुनिया भर के भारतीयों को? अगर हम या नून या मौलाना साहब या कोई और जमात एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुमने हमारे लीडरान की बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे लीडरान की बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम आसमानी मखलूक हो कि तुम्हें तुमसे सवाल नहीं किया जा सकता? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूं एज ए मेंबर ऑफ सेनेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन तमाम चीजों का जो है अहाता करे कि कहां से शुरू हुआ है शख्स, कहां से आया, डॉक्टर इसरार ने क्या कहा, हकीम सईद ने क्या कहा, क्या वो सब झूठे थे, क्या उन्होंने लिफाफे लिए थे, क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने लिफाफा लिया है, क्या वो झूठ बोलते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं तो आपने डेफेमेशन अभी तक क्यों नहीं फाइल की? आज आप कहते हैं कि मैं गलती से साइन कर गया, ये गलती नहीं है, ये आपकी असलियत है। और इस असलियत को कौम के सामने इसलिए आना चाहिए कि आइंदा आने वाले हमारे सियासतदान, आइंदा आने वाले हमारे लॉ मेकर्स, आइंदा आने वाले हमारी जुडिशरी सब ये देख ले। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगी, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगी, कि सल्तनत उस्मानिया में जब काजी और हुक्मरान बैठते थे कुर्सी पे तो सर पे सफेद रंग की पगड़ी थी, वो पगड़ी नहीं होती थी, वो उनका 9 गज का कफन था जो उनके सर पे लपेटा जाता था, ताकि कोई फैसला देते हुए उन्हें याद रहे कि यही पगड़ी खोलकर, और जिस दिन वो अल्लाह के पास पहुंचते थे तो वही पगड़ी खोलकर उनका कफन उन पे डाल दिया जाता था। हम लोगों के सर पे पगड़ियां नहीं है, लेकिन होना हमारे साथ भी है, इसलिए जो फैसला हो, जो करे, चाहे कोई जज करे, चाहे कोई और फोरम करे, वो ये याद रखे कि वो कफन अगर सर पे नहीं है तो बाजार में जरूर आपके नाम का आगे है। बहुत शुक्रिया।